हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको दिखाएंगे यू के यूफोरिया की कैमरा परफॉर्मेंस और साउंड परफॉर्मेंस। जैसा कि हमने अनबॉक्सिंग वीडियोस में हमने बताया था कि क्या इसका ऑटो फोकस जो हमें फर्स्ट अनबॉक्स करने पे जो हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन था, हमें काफ़ी अच्छा लगा था। मतलब ज़्यादा फास्ट भी नहीं था, ज़्यादा स्लो भी नहीं था, जैसा उसने बोला वैसा उसको वो रिस्पॉन्ड कर रहा था। लेकिन आज हम आपको इसका डिटेल्ड नेकेड ट्रुथ बताएंगे कि यूफोरिया का कैमरा की क्या कंडीशन है, क्या आपको ये फ़ोन परचेज करना चाहिए इस प्राइस रेंज के अंदर या नहीं। ये आइए हम इसका कैमरा टेस्ट करते हैं। इसका कैमरा इंटरफेस कुछ ज़्यादा खास नहीं है, स्टॉक एंड्रॉयड की तरह ही है। हालांकि ये एक 8 मेगापिक्सल रियर कैमरा और 5 मेगापिक्सल अप टू फ्रंट कैमरा 4:3 के रेशियो में आपको पिक्चर कैप्चर करने की परमिशन देता है, लेकिन हमें इसका कैमरा बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। माना कि हमने इसका ऑटो फोकस बहुत शानदार तो नहीं है लेकिन ठीक ठाक है, बट इसकी कैमरा की परफॉर्मेंस बहुत ख़राब है। मैंने कुछ शॉट्स लिए हैं इस कैम से, तो मैं आपको वीडियो के दूसरे पार्ट में आपको बताऊंगा कि मैं लो लाइट के अंदर कैसा वीडियो लगता है इसमें, या नाइट टाइम पर इसका ऐसे वीडियो कैप्चर करेंगे या मॉर्निंग टाइम पर ऐसे वीडियो कैप्चर करेंगे। इसका सेल्फी कैमरा कह सकता हूँ या फ्रंट कैमरा की जो 5 मेगापिक्सल का है उसकी परफॉर्मेंस क्या है, हम सब इसका दिखाएंगे। लेकिन पहले हम इसको थोड़ा सा इसका इंटरफेस देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, शटर स्पीड इतनी फास्ट भी नहीं है और इतनी स्लो भी नहीं है, तो मेरे हिसाब से शटर स्पीड एवरेज है और सफिशिएंट है। थोड़ा सा दूसरा ऑब्जेक्ट लेते हैं। मैं आपको पिक्चर्स दिखाऊंगा सारे। तो ये कुछ शॉट्स हमने अभी आपके सामने लिए हैं और ये शॉट्स मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसके अंदर कितनी डेप्थ है, कितना क्लैरिटी है। जब अगर मैं आर्टिफिशियल लाइट की बात करूँ, मैं अभी प्योर आर्टिफिशियल लाइट की एनवायरनमेंट में हूँ, तो पिक्चर्स हल्की सी अनस्टेबल आता है। आपको अपना कैमरा स्टेबल रखना पड़ेगा। जैसा आप ये देख पा रहे हैं, ये देखिए डिटेल्स आती है पिक्चर्स में, लेकिन एकदम लो क्वालिटी डिटेल्स आती है। जब आप इसको जूम करेंगे तो पिक्चर्स फट जाते हैं। तो मुझे कहीं से भी ये 8 मेगापिक्सल का कैमरा तो बिल्कुल भी नहीं लगता। और अगर ये 8 मेगापिक्सल का कैमरा कंपनी क्लेम करती है, 8 मेगापिक्सल का देती है, तो कंपनी ने ये जस्ट गिमिक किया है कस्टमर्स के साथ। और अगर मैं इसी के बराबर की कैमरे की रिव्यू करूँ, मैं फ़ोन की बात करूँ Redmi 2 Prime का, तो उसका भी 8 मेगापिक्सल कैमरा इतना शानदार नहीं है, लेकिन इस फ़ोन के मुकाबले तो कई गुना बढ़िया है। अब मैं इसके इंटरफेस की बात करता हूँ। आपको एक नॉर्मल सा इंटरफेस मिलेगा और जिसमें ये आपको 8 मेगापिक्सल की पिक्चर्स के साथ साथ अलग अलग रेशियो के हिसाब से कैप्चरिंग करने का मौका मिलेगा। हालांकि इसमें 16:9 का रेशियो नहीं दे रखा है कि आप वाइड एंगल पिक्चर्स कैप्चर कर सके, इसमें जस्ट 4:3 का दे रखा है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इन्होंने 6 मेगापिक्सल के साथ 16:9 का दिया है ओनली, बाकी सब के साथ 4:3 का दिया है। तो ये कंपनी के लिए फ़ायदे वाली बात है या नुकसान वाली बात है पता नहीं, कस्टमर्स को तो पूरी तरह से नुकसान हो रहा है। अगर आप इस फ़ोन को एक परचेज कर रहे हैं कैमरे की वजह से कि इसका कैमरा बढ़िया होगा, इसका वो चीज़ बढ़िया होगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। ये बिल्कुल भी एक बढ़िया कैमरा फ़ोन नहीं है। चलिए हम इसमें आपको साउंड रिकॉर्डिंग भी दिखा देते हैं। हमने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, आपने हमारा वीडियो देखा था, लाइक भी किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक अनबॉक्सिंग वीडियो, इसका साउंड क्वालिटी कितना आता है देख लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं यू के नए फोन की, जिसे हम बोलते हैं यू यूफोरिया फॉर एंड्रॉइड डिवाइस जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका साउंड भी इतना एवरेज ही है, कोई खास एवरेज नहीं है। बट हाँ, इस फ़ोन की एक खासियत है, खासियत तो नहीं कहना चाहूँगा पर प्लस पॉइंट ही बोल दो, कि इतनी नेगेटिविटी में एक प्लस पॉजिटिव पॉइंट है कि ये फ़ोन थोड़ा कि डिस्प्ले थोड़ी सी डिसेंट है, काफ़ी थोड़ी एलिगेंट लगती है हमें इस फ़ोन की। तो मेरे हिसाब से ये फ़ोन अगर आप कैमरा के हिसाब से परचेज़ करते हैं या म्यूज़िक एंटरटेनमेंट या मीडिया एंटरटेनमेंट के हिसाब से परचेज़ करें, तो इस फ़ोन को अपना ही परचेज़ करें तो बेटर है आप लोगों के लिए। और इस कैमरे से मैंने कुछ पिक्चर्स कैप्चर किए हैं, वीडियो कैप्चर किए हैं, तो जो आप इस वीडियो के अगले पार्ट में आपको मिलेगा।
वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रंट कैमरा जो कि अपने आप में 5 मेगापिक्सल शूटर है उसे शूट कर रहे हैं, और मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि यह फ़ोन का कैमरा एक नंबर का थर्ड क्लास कैमरा है, थर्ड क्लास भी नहीं, फोर्थ क्लास कैमरा है। आप इस पर अपने पैसे वेस्ट ना करें, इस फ़ोन को बिल्कुल भी परचेज ना करें, और हमारे वीडियो को लाइक करें।